Hello students, welcome to Happy Kids Classroom. Today we will see the poem Kakku for grade 3 Hindi. तो चलिए देखते हैं कक्कु. ये कविता है. नाम है उसका कक्कु, कक्कु माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कु. नाम है उसका कक्कु. तो ये कविता एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम ये बच्चा है जिसका नाम कक्कू है. ठीक है, तो इसका नाम कक्कू है और कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल, यानी पंछी जो मीठा मीठा गाता है. लेकिन यह बच्चा जिसका नाम कक्कू है, यह तो दिन भर रोता रहता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू. तो इसलिए सब उसको सक्कू बुलाते हैं कि तो कक्कू नहीं तो सक्कू है, ये तो दिन भर रोता है, गाता नहीं है. ओके, नाम है उसका कक्कू. आगे क्या है? कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू. नाम है उसका कक्कू. तो ये बच्चा इतना चिढ़ता है या और इसकी जो आवाज है ये तो रोता रहता है. इसकी कोयल माने मिसरी जैसी, मिसरी यानी जो खड़ी शक्कर होती है ना, या जो शक्कर होती है उसका उसके जैसी इतनी बड़ी होती है, उसे मिसरी कहते हैं. तो कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मिसरी जैसी मीठी होती है. हाँ, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोल, लेकिन इससे ज़रा भी तुम कुछ मस्ती या मजाक कर जाओ तो ये एकदम से भड़क ही जाता है. तो इसीलिए हम कभी कभी इसको पक्कू कहते हैं क्योंकि ये भड़क जाता है. ओके, नाम है इसका कक्कू. ये देखिए इसके चेहरे पे दिख रहा है, चिड़चिड़ा है कक्कू. कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, इसके झगड़ालू को ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम जक्कू. नाम है उसका कक्कू. तो ये जो कक्कू है इसे गाना जरा भी नहीं आता है, बात बात पे वो चिढ़ता भी है और उसका मुंह हमेशा फूला हुआ रहता है गुस्से से. हाँ, गाना तो जिसको बिल्कुल भी आता नहीं है. हाँ, और झगड़ता रहता है, ऐसे झगड़ालू को हम क्या कहेंगे? जक्कू, झगड़ने वाला जक्कू. क्यों कहे मैं उसको कक्कू? ठीक है, ऐसे. तो ये इस कक्कू नाम के बच्चे के बारे में थी जो अपने नाम के जैसा बिल्कुल भी नहीं था. चलो एक्सरसाइज देखते हैं. नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है. आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है और उसका मतलब बताना है. ओके, तुम्हारे जैसे अगर आपका नाम सूरज है तो बताइए क्या सूरज जैसा. ओके, तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं. तो आपका प्यार वाला नाम, आपका चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया गया नाम. जैसे अगर आपका नाम है सोनी तो आपको चिढ़ाने वाले नाम से प्यार वाला नाम. जैसे अगर प्यार वाला नाम सोनू है तो चिढ़ाने वाला क्या नाम होगा? चुन्नू होगा. तो दोस्तों ने अलग ही नाम दिया होगा. तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं. किसी दो आपका और आपके एक फ्रेंड का लिखिएगा या आपके भाई बहन का लिखिएगा. ठीक है, सोचो और लिखो कि किस किस को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा. गप्पू को गप्पू की बुलाते होंगे क्योंकि वो बहुत गप्पे मारता है. भोली को भोली की बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत भोली भाली है. छुटकी, छुटकी को छुटकी की बुलाते हैं क्योंकि उसका कद जो है वो छोटा है, शॉर्ट इन हाइट. गोलू को गोलू की बुलाते क्योंकि वो गोल मटोल सा है. ठीक है, तो आपको ये आंसर यहाँ पे ऐसे लिखने हैं यहाँ पे. ठीक है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली. भक्कू जो जो जल्दी बढ़क जाता है वो आपके फ्रेंड्स में से कौन सा है, इसका नाम यहाँ पे रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा. जक्कू जो बहुत झगड़ता है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा. और गप्पू जो बहुत गप्पे मारता है इसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा. ठीक है, अब कविता का समय. कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए या जरा न भाए, चिड़िया के संग गाना गाए,
संग मोर के नाचे गाए या नाच नचाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ओके, तो इस तरह से ये कविता करनी थी अपने अपने तरीके से। ठीक है, कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो तो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है। उसकी आवाज़ जरा भी मीठी नहीं है। वो सबसे झगड़ता है और उससे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो कोयल कक्कू कोयल जैसा नहीं है। नामों की रे, पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे राजू लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लीना, मीनल, किरण और यहाँ पे सूरज। ठीक है, वर्णमाला याद है? ओके, आपको वर्णमाला तो याद है, उसका सीक्वेंस याद है, राइट? क ख ग घ भी याद है, राइट? तो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक कहा बताया था, यहाँ पे नाम राजू है, यहाँ पे नाम मैंने लीना, फिर मीनल, फिर किरण, फिर सूरज बताया था। तो उसको सीक्वेंस में आप कैसे लिखोगे? क ख ग घ के हिसाब से, हाँ, वर्णमाला के हिसाब से पहले किरण आएगा, फिर आएगी मीनल, फिर राजू, फिर चौथे नंबर पे लीना और फिर पांचवें नंबर पे सूरज, क्योंकि स सबसे लास्ट में आता है। ओके, तो उनके अक्षरों के जो पहले ये है शब्द है उससे आपको वर्णमाला के हिसाब से सीक्वेंस में उसको लिखना था। ठीक है, चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। तो जब आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसे लगता है? जब मुझे कोई चिढ़ाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, तब तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे कोई, तो हम लोग आप ऐसे लिख सकते हो पूरा क्वेश्चन के, हाँ मुझे कोई चिढ़ाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चिढ़ाना अच्छा नहीं है, इससे किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ये तो पाठ खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये पोएम यहीं पे खत्म हो गई है। और अगर आप चाहते हो मैं ग्रेड 3 का कोई और सब्जेक्ट का लेसन वीडियो करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसके एक्सरसाइज के साथ हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। ओके, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पी किड्स क्लासरूम, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। बाय बाय।